बंद करो, बंद करो, जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जुल्म करना बंद करो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो यहाँ पर हाई हो रहा है, रोल बैक ऑफ एलपीजी, गैस प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन, उसमें स्मार्ट मीटर्स के बारे में भी यहाँ पर पोस्टर्स लगा के, यहाँ पर एक मिनट, एक आप बताइए, एक पोस्टर्स आपने हाथ में रखे हैं, उसमें आपने स्मार्ट मीटर्स, इन्फ्लेशन, गैस प्राइस जो है हाइक हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर मुख्तसर सा जानना चाहेंगे कि क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप देखिए सर, ये आवाम जो है, कश्मीरी आवाम, मैं नहीं बोलती हूँ खाली, हम जम्मू कश्मीर के आवाम, आप देखिए महंगाई के दौर ने उन्होंने कमर तोड़ दिया, आप देखिए सब्जियों के भाव कहाँ पहुँच गए, इधर से हमारी फाइनेंशियली क्राइसिस जो है वो सबकी बंद है, इन्होंने जिनको चाहे वो ऑफिसर हो चाहे छोटा मुलाजिम हो, उनको फाइनेंशियली क्राइसिस, चाहे तनख्वाह है चाहे बेचारे कमाते हैं, रेड़े वाले हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, रेड़े वाले हैं, छापरी परोश हैं बेचारे, इनकी बैटरी ऑटोज हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनके रूट चेंज किए, कंबर तोड़ दी इन्होंने हमारे नौजवानों की, इन्होंने कश्मीर में कहीं नहीं हमें छोड़ा, अब हमारे अल्लाह ताला का फजल है और हम इतना जुल्म नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी हर दम पोस्टर्स ले रखे हैं जी, मैं उसमें स्मार्ट मीटर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके हवाले से बताइए क्या क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है, एक तो स्मार्ट मीटर्स लगाना बंद कर दो, सब्जियों के जो दाम है उनको कम कर दो, ओल्ड एज पेंशन जो है, ये बेचारे बूढ़े औरतें थे, विडो औरतें थे, उनका बंद किया, क्या किया है ये सरकार, लूट रही है, इन सरकार ने सबको लुटा के रखा है, कोई किसी गरीब को नहीं छोड़ा है इन्होंने, उसके लिए कांग्रेस सरकार प्रोटेस्ट पे आई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल जारी है, उसमें चाहेंगे कि यहाँ पर और भी एक से बात करें, आप वेट कीजिए, हम आपसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा रोष दिख रहा है, उसमें स्मार्ट मीटर्स को लेकर, इन्फ्लेशन, प्राइजेस हाइक इन गैस सिलेंडर्स, वो इस तरह के जो बैनर्स हैं हाथों में ले रखे हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जो प्राइजेस, इन्फ्लेशन हाई है, प्राइजेस हाइक है, उसमें कमी आ जाए, उसमें हम चाहेंगे कि यहाँ पर किसी और लीडर से भी बात करें। आप बताइए आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये सारे दुनिया को, हिंदुस्तान को पता है, आप देखिए मेरे भाई कि बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारी की वजह से बच्चे खुदकशी कर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, चावल का भाव बहुत बड़ा है, हालांकि राशन घाट में राशन नहीं होता है, लोग तड़पते हैं, और आप देखिए ये गैस सिलेंडर 500-600 तक होता है, आज 1250, पहले 1200, आज 1250, तेल जो खाने का तेल है, आप देखिए उसका भाव कितना बढ़ गया है, और बेरोजगारी का मसला हमें ज़्यादा है, तो यहाँ हर एक चीज़ का हाई प्राइस हुआ है, आसमान तक छू रहा है, इसलिए मैं और किसी का नहीं देखे, सड़कों पर निकलेंगे, बैठेंगे, सर धरना देंगे। आपके पास भी आएंगे, हमारे साथ में युवा जो लीडर है, जो यंग लीडर है कांग्रेस के, आसिफ साहब, सारा कुछ बताइए, ये प्रोटेस्ट क्यों निकाल रहे हैं आप? अगरचि यहाँ पर आपने लोगों ने पोस्टर्स भी ले रखे हैं, आपने अभी सर पर भी सिलेंडर ले रखा था, उसमें पोस्टर्स में आपने लिखा है कि इंस्टॉलेशन स्मार्ट मीटर शुड बी स्टॉप, यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई जो है वो आप बता रहे हैं, तो क्या यही मकसद है आपके प्रोटेस्ट करने का? प्रोटेस्ट करने का बस एक मकसद था मेरे भाई, आपने मेरा प्रोटेस्ट डाउन टाउन में भी कवर किया, मैं पहला कॉरपोरेटर हूँ जो डाउन टाउन की सड़कों पर निकला, लोगों की आवाज़ बन के वहाँ पर मैंने प्रोटेस्ट किया, मेरे अपने घर के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनने मेरे को चुन के लाया, कॉरपोरेटर बनाया। आप देखिए जो गैस सिलेंडर 400 रुपये का था हमारे दौर में, वही गैस सिलेंडर आज 1250 रुपये का है, आप देखिए 200-300 रुपये हमारे टाइम में बिल आती थी, वही बिल उनने 3-4 हज़ार रुपये, कहाँ से बेचारा वो गरीब लाएगा? जब से ये मरकज़ में बरसर इकदार ये मोदी सरकार आई, तब से जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला चलता आ रहा है, और इनने हमसे वादे किया था 370 हटाने के टाइम, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के टाइम बोला था हम दूध की नहरें बहाएंगे, डेवलपमेंट का आप जाल देखिए, उसके बरक्स आप देखिए जो ये बोल रहे हैं अभी स्मार्ट सिटी है, आप देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना आज के प्रोटेस्ट के इसलिए हम कर रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर अभी ये लगा रहे हैं उसके, जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं लेंगे तब तक हम सड़कों पर बैठेंगे, तब तक हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल जारी है,
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो युवा लीडर्स और जो नोटेड यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस कांग्रेस के वो भी यहाँ पर आए हैं और इन्फ्लेशन स्मार्ट मीटर्स को स्टॉप करने की ये बात कर रहे हैं। प्रदोष लाइव जानवानी, जे के न्यूज़ श्रीनगर।